हेलो दोस्तों, आज के ये वीडियो में अपन देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है देख लो। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब अपने को सम लानी है और सीक्वेंस के जो टर्म्स वो देख लो क्या दिए है। 8,88,888,8,88,888। तो ये ऐसे एन टर्म्स तक अपने को जाना है, तो वो एन टर्म्स की सम लानी है, मतलब ऐसे एन लाना है। ठीक है, तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन की एक ट्रिक है, तो वो आपको मैं बता दूंगा। तो उसको अपन एज अ शॉर्टकट भी देखेंगे। ये क्वेश्चन के एंडिंग में मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बोल दूंगा कि उससे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, राइट। तो पहले क्वेश्चन डिटेल में समझ के लो कैसे सॉल्व करना है। तो अपने को सम लाना है, मतलब 8 + 88 + 888 + 8,888 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, और इसको बोल देंगे SN। फिर क्या करना है, 8 कॉमन लेना है। 8 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 + 11 + 111 + 1,111 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। अब क्या करना, इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करना है ये आपको अगले स्टेप में समझ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई मतलब 9 यहाँ पे और इनटू 1 + 11 + 111 + 1,111 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप अच्छे से समझ लो बेटा। 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8/9, यहाँ पे आ जाएगा 9 + 99 + 999 + 9,999 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा क्यों 9 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब ये एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब जो 9 है उस 9 को लिखा जाएगा 10 - 1, और जो 99 है उसको लिखेंगे 100 - 1, फिर 999 को लिखेंगे 1,000 - 1, और इसको लिखेंगे 10,000 - 1। तो ये ऐसा पैटर्न चलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब क्या करना, कुछ नंबर्स का ग्रुप बनाना। कौन से नंबर का ग्रुप बनाना देख लो अच्छे से। ये जो 10 के जो मल्टीपल है, 10, 100, 1,000, 10,000, इनका एक ग्रुप बना लेना। 10 + 100 + 1,000, मतलब इनको मैंने अलग कर दिया, अच्छे से देख लो। 10, 100, 1,000, 10,000, इनको मैं अलग कर रहा हूं अप टू एन टर्म्स। ये चलेगा अप टू एन टर्म्स। ठीक है, फिर अब कौन बाकी है, -1 - 1 - 1 - 1 - 1 कहाँ तक, एन टर्म्स तक है। तो माइनस कॉमन लो, 1 + 1 + 1 + 1 + अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब अच्छे से देखेंगे ना, ये जो मैंने जो पहला जो ग्रुप बनाया है, अच्छे से देख लो एवरीवन, जो मैंने पहला जो ग्रुप बनाया है ये जीपी है। तो ये जीपी का सम अपने को लाना है। ये ए है 10, और आर कैसे लाना है, T2/T1, दैट इज 100/10, दैट इज 10। तो इस जीपी का अपने को सम लाना है। तो जीपी का सम का फॉर्मूला अपने को आता है, दैट इज SN = A×R^(n-1) / R-1। वीडियो को 10 सेकेंड के लिए पॉज करो और खुद से कैलकुलेट करके देख लो कि SN क्या आ रहा है ये वाले ग्रुप का। नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करो 10 सेकेंड के लिए। चलो चेक कर दे, तो वो आ जाएगा 10 × 10^(n-1)/10-1 माइनस ये ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है, 1 + 1 + 1 up to n terms, मतलब ये 1 का जो एडिशन जो है जितने भी टाइम्स है, n टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा n। ये जो 1 का जो एडिशन है उसका वैल्यू लेने का n।
क्यू, कुछ जनों को ये भी डाउट आ सकता है, देख लो, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो ये वन कितने बार है, फाइव टाइम्स, इसलिए फाइव समझो, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस, ऐसा मैंने 10 टाइम्स लिखा, तो आंसर क्या आएगा, 10। तो यहाँ पे कितने टाइम्स है बेटा, एन, अप टू एन टर्म्स, तो इसलिए वो जो ब्रैकेट है, जो सेकेंड ब्रैकेट है, ये जो दिख रहा है, ये जो ब्रैकेट है, तो उसका जो आंसर है वो आ जाएगा एन, सिंपल भाषा में। चलो तो देखते हैं अब आगे जो है, अपना तो आंसर आ गया है, मतलब थोड़ा इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 8/9, इधर आ जाएगा 10 × 10⁻¹ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9, यहाँ पे एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 10⁻¹, तो यह आ जाएगा -9n/9 और 8/9। नेक्स्ट स्टेप देख लो, यह आ जाएगा 8/81, 10 × 10⁻¹ -9n। कभी कभी ये आंसर अपने को और में ऐसा दिख सकता है, और में कैसा, मैं इसके जो मैं बोल रहा था कि वीडियो के एंडिंग में मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो ये 10 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 10⁻¹, फिर ये -10 -9 9n, और डिनोमिनेटर में जो है 8/81 जो फैक्टर था लेफ्ट साइड में, वो एक लिख दो, ठीक है। चलो देख लो, तो ये आंसर भी हो सकता है, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, अलग अलग एमसीक्यूज, ये अलग अलग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि जेई मेन, जेई एडवांस, अलग अलग स्टेट के जो इंजीनियरिंग सीटीज है उसमें भी ये लगने वाला क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट जो बोल रहा था वो बोलता हूँ मैं, पहले 1 मिनट, ये इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 10 × 10⁻¹ -10 -9n, और यहाँ पे 8/81, तो अब शॉर्टकट क्या है वो देखो, शॉर्टकट में आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, 4 + 44 + 444 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, और एक क्वेश्चन ऐसा है मान लो 5 + 55 + 555 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, तो इसका सम लो, ऐसा वो बोल रहे, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। कैसे, ये जो आपने ऊपर जो डिराइव किया है ना, वो एक पैटर्न है, सेम पैटर्न अपने को आगे के क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे आंसर क्या आया है, यहाँ पे आंसर क्या आया वो देख लो, ये आंसर यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन था 8 + 88 + 888 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, तो यहाँ पे बाहर कौन सा नंबर देख लो, 8, तो अपने को 4 आया, तो 4/ लिखने का, 4/81 ब्रैकेट सेम लिखने का, 10 × 10⁻¹ -10 -9n, वेरी सिंपल सर, अब 5 के लिए वेरी सिंपल देख लो, 5/81 लिखने का, फिर इधर 10 × 10⁻¹ -10 -9n, हो गया आंसर सर। और एक क्वेश्चन आया ऐसा, तो 6 + 66 + 666 अप टू एन टर्म्स, ये पैटर्न आया, तो क्या लिखेंगे आंसर, कोई बता सकता है, देख लो कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। चलो, फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलो थैंक यू एवरीवन, और इसका जो आंसर है कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलो थैंक यू।